सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं वॉकिंग ग्रास पे। बहुत ही अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए। ये है मेरी बड़ी बेटी जो कर रही है साइकिलिंग, और आज है सैटरडे मॉर्निंग। सो ये मेरी ननंद का लड़का मयंक है, और हम आज बच्चों को लेकर आए हैं बाहर, एक्चुअली गार्डन में। तो मैं आपको अपना गार्डन भी दिखा देती हूँ यहाँ का। और बच्चे अच्छे से साइकिलिंग वगैरह करेंगे तो ज़्यादा उनकी हाइट भी अच्छी बढ़ती है, और वो मेंटली भी बहुत ज़्यादा फिट होते हैं। तो हमने सोचा सैटरडे का टाइम है तो क्यों ना बच्चों को बाहर लेके चले और साइकिलिंग वगैरह वो करेंगे। सो देखिए, बहुत ही अच्छा क्लाउ वेदर है, एंड कस्तूरी भी यहाँ पे साइकिलिंग कर रही है। सो मैं उनके पीछे पीछे वॉक कर रही थी एक्चुअली, तो और उनके डैडी जो है वो इस तरह से स्कूटी लेकर आ गए। अब हम जाते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल एक गार्डन है, प्लस वहाँ पे हर एक चीज़ है, यहाँ पे जिम वगैरह सब कुछ है। सो देखिए बच्चे, सो गाइस, 10th का रिजल्ट आउट होने वाला है महाराष्ट्र में 8 जून को। ज़रूर चेक करना वेबसाइट पर, देख सकते हो गाइस। आज की ब्लॉग मैंने यहाँ मॉर्निंग से स्टार्ट की है, तो मॉर्निंग में हम वॉकिंग जॉगिंग ये सारी चीज़ें करेंगे। सो गाइस, आप ये पूरी ब्लॉग देखना, आई होप आपको अच्छी लगे, एंड अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक ज़रूर करना, एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और बताइए मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। एंड यहाँ पे हम खेल रहे हैं बैडमिंटन। सो ये दूसरी प्लेयर जगह थी, मतलब उसमें ही बड़ा सा जो गार्डन है यहाँ पे अदर साइड में, बच्चों का एक्चुअली यहाँ पे खेलने के लिए बहुत अच्छा बनाया है उन्होंने। तो सीसॉ वगैरह सब कुछ है, मैं आगे दिखाऊँगी आपको, आप ये पूरी देख लीजिए। एंड हम यहाँ पे प्ले कर रहे हैं और बहुत ही मज़ा आता है एक्चुअली। जब तक बैडमिंटन नहीं खेलती हूँ ना, सैटरडे संडे 2 दिन मिलता है मुझे, तो मुझे एकदम से मेंटली भी मैं बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार कि जब हम खेलते हैं तो अपनी बॉडी से पसीना वगैरह निकलता है, स्वेट निकलता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं बहुत एंजॉय करती हूँ जब भी मैं प्ले करती हूँ बैडमिंटन, बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। बच्चों ने भी हम बच्चों के साथ भी खेले, बच्चों ने भी खेला ये बैडमिंटन खेला, तो उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया। और बाकी के यहाँ पे गार्डन में जो झूला वगैरह लगा है वो भी उन्होंने एंजॉय किया यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा लगता है यार, बच्चों को लेकर आना चाहिए मॉर्निंग में, और उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्विंग है, तो कस्तूरी और मयंक जो है कि स्विंग कर रहे हैं। सो बहुत ही बेस्ट प्लेस है एक्चुअली। एंड गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो, ये है मॉर्निंग का टाइम। सो हम यहाँ पे कुछ 9 o'clock तक पूरा टाइम स्पेंड किया। 7 o'clock हम निकले थे घर से बाहर, और यहाँ पे 9 o'clock तक यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है, ट्री एंड ऑल, हर एक चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड अब हम इसके बाद हम घर जाएंगे, तो मैं नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। तो देखिए मैंने क्या बनाया नाश्ते में, खाने में, और आई होप आपको पसंद आएगा। एंड बच्चों की डिमांड रहती तो उस हिसाब से ही, उसी अकॉर्डिंग में ब्रेकफास्ट एंड लंच और डिनर बनाती हूँ। और ये देख सकते हैं यहाँ पे इतना सारा कांटा, और इस कांटों के बीच में इतना ब्यूटीफुल फ्लावर, यार आप बोल सकते हैं ना। फिर मतलब मुझे देख के ये बहुत ही एक अलग सी इमेजिनेशन आई मेरे माइंड में। तो मैंने ये वाली आपको जस्ट आप सोच सकते हैं इसके आगे, आप कांटों पे चल के इतने अच्छे फूल उगते हैं। तो ऑब्वियसली उसके बाद हम यहाँ वहाँ से निकले, तो हम जूस वाले भैया के मतलब सेंटर पे गए, वहाँ पे जूस वगैरह भी। देखिए घर पे आते ही मैंने बनाई थी गर्मा गर्म, ये है साबूदाना, और बहुत ही अच्छी साबूदाना बनी थी। और उसके बाद हम डीमार्ट चले गए, डीमार्ट से ये पॉसिबल है सिर्फ आप लोगों की वजह से ये पैन मिला मुझे। मैं डीमार्ट से ये पैन लेकर आई, और मुझे एक कमेंट आया था, एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि बिल्कुल भी आप वो जो मैं पैन यूज़ करती थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, उसका कोटिंग निकल गया है, तो आप वो वाली यूज़ करना, मतलब आप दूसरी ले लो यार। तो मेरे हस्बैंड ने वो कमेंट पढ़ी, मुझे इतना उनको बहुत ज़्यादा फील हुआ, इन द सेंस कैसे कि हम गए और फटाफट हमने ये वाली पैन लेकर आए, न्यू पैन है ये। तो मुझे सिर्फ यही बोलना है गाइज, ये यूट्यूब पे जो आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, आप लोग इतने अच्छे से समझते हो, हर एक चीज़ बताते हैं ना, उसकी वजह से ये शायद पॉसिबल हुआ कि मैंने ये पैन खरीदी। क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कोई भी बर्तन वगैरह परचेज़ नहीं किया था, और मैं इस तरह से सोचती हूँ जितने भी बर्तन हैं मेरे पास मैं उसमें ही काम निकाल लूँ। और मैंने बहुत कम बर्तन खरीदती हूँ, ज़्यादा बर्तन वगैरह खरीदती हूँ, बट ऑब्वियसली उनका कमेंट जो भी बंदे हैं, यार मुझे नाम याद नहीं है, बट सीरियसली मैं यहाँ पे लगा दूँगी, बट
स्क्रीनशॉट में, आपकी वजह से ये पॉसिबल हुआ। आप लोगों के प्यारे प्यारे जो कमेंट्स आते हैं ना, इतने अच्छे आप सजेशन भी देते हो ना, उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ। तो मैंने यहाँ पे बनाई थी, यू नो, अब हो चुका है लंच, तो फिर मैं बनाऊँगी यहाँ पे फ्राइड राइस। तो यहाँ पे मैंने जितने भी वेजिटेबल्स मेरे पास फ्रिज में पड़े हुए थे, तो मैं उसकी फ्राइड राइस बनाऊँगी। और मैं और मेरे हस्बैंड के लिए मैं बनाने वाली हूँ करेला। सो करेले को मैं कुछ इतना सिंपल ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने भी मुझे कहा है कि करेला खाओ, और मम्मी भी मुझे हमेशा बोलते रहती है कि करेला खाओ तभी तुम्हारा गला अच्छा रहेगा, नेक वगैरह, जो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी बीच में कफ एंड ऑल का। तो मैंने तब से डेली करेला बनाना स्टार्ट कर दिया है। बच्चे तो नहीं खाएंगे अभी ये उम्र में, बट उनको भी जब समझ में आ जाएगी तो ऑब्वियसली खाएंगे वो करेला। तो यहाँ पे मैं फ्राइड राइस और करेले बनाऊँगी। थोड़े से मैंने पुदीना वगैरह रखे थे, तो ये पुदीना को मैं अच्छे से तोड़ के, यू नो, इसे फ्रिज में रख दूँगी, और एक कंटेनर में रखना है गाइस, अदरवाइज़ वो फिर से ख़राब हो जाएगी। सो अच्छे मैं सारे पुदीने वगैरह तोड़ के इसे कंटेनर में अच्छे से फिल कर लूँगी। और वो कढ़ाई बहुत ज़्यादा छोटी हो रही थी, तो मैंने इसे चेंज कर दी है, तो मैंने यहाँ इसमें चेंज करके फ्राइड राइस बना ली। सो अच्छे से बनी बिनी लगा दो। ये मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे दो बच्चे जो कि अपने घर की साफ सफाई कर रहे हैं, अपने बेडरूम की। सो ये मेरे कनिष्का कस्तूरी का बेडरूम है, ये है उनके कान्हा जी। यू डू यू लाइक कान्हा? ओके, सो दिस बेडशीट इज आई थिंक 1000 rupees, सो यू कैन गेट इट दिस फ्रॉम Amazon। हमने कहाँ से लिया इसको? Amazon से। सो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको हम दे देंगे लिंक, और वहां से आप इसे परचेस कर लेना, ठीक है? सो ये बेडशीट देखिए कितनी ब्यूटीफुल है, कॉटन की है, फ्लावर्स है, व्हाइट, पिंक, ब्लू। अगर मेरे कान थोड़े बड़े हैं तो मैं थोड़े से, इसके चार कान है, एक, दो, 3, 4। वाओ, नाइस लुकिंग रैबिट। सो दोनों की जो टी शर्ट मैंने ये परचेस की है, ये मैंने परचेस की है कहाँ से? बैंड्रा से। सो बैंड्रा में बहुत ही अच्छे अच्छे मिलते हैं टी शर्ट्स एंड ऑल, बच्चों के जरूर वहाँ पे विजिट करा। बैंड्रा में हम गए थे लिंकिंग रोड। ये देखो ये है कनिष्का, आज है पीयू का बर्थडे, तो सबसे पहले बर्थडे का विश करते हैं। रुको, बार दिन ये आए, बारी बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू चना, हैप्पी बर्थडे टू यू चना, हैप्पी बर्थडे डियर पीहू, हैप्पी बर्थडे टू यू। May God bless you. Yay! Bye bye, Pihu. Bye bye, all of you. So friends, I hope मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगी होगी। और उसके बाद जहाँ से बच्चों का मैंने स्टार्ट किया वो तो उस दिन संडे था एक्चुअली, और सैटरडे संडे ये मिक्स करके मैंने ब्लॉग बनाई है। संडे को इस टाइम पे हम चले गए थे मॉर्निंग में, 12 o'clock को हम ललिता जी के यहाँ चले गए थे, मल्टीटास्किंग मॉम ललिता, उनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए। एंड वहाँ पे जाने के बाद हमने ये देख सकते हो मेरा लुक, सो हम रेडी वगैरह हुए, तो पीहू का जो बर्थडे ब्लॉग आएगा वो बर्थडे ब्लॉग भी आप ज़रूर चेक करना। सो मे बी लेट हो सकता है, बट ज़रूर आप वाली ब्लॉग भी देखना गाइज, आपको कैसा लगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारा ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। एंड थैंक यू सो मच, एंड आप लोगों के इतने सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स एंड
देख के और पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, इंस्पायर होते हैं हम वीडियोस बनाने के लिए। अदरवाइज़ आज के डेट में किसके पास इतना टाइम है गाइस जो वो आपके डेली रूटीन को दिखाए, जैसे हम अपने डेली रूटीन शेयर करते हैं यूट्यूब पे। सो बहुत ही अच्छा लगता है यूट्यूब पे काम करके। सो हमेशा सपोर्ट करते रहिए गाइस एंड सब्सक्राइब ज़रूर।